जनता क्या चाहती है जी, पायलट साहब क्या चाहते हैं या अशोक जी क्या चाहते हैं, इससे कोई इसका कोई अर्थ नहीं है जी। व्यापक अर्थ तो इस बात का है कि राजस्थान की जनमानस में क्या है, वो क्या चाहती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। पिछले कई दिनों से सूबे की सियासत में एक खास चर्चा जारी है, मंत्रिमंडल विस्तार, बाकी बची हुई राजनीतिक नियुक्तियां और पायलट खेमे की भागीदारी। और अब कहा जा रहा है कि अगले करीब एक डेढ़ सप्ताह में गहलोत सरकार इन चर्चाओं पर विराम लगा सकती है, यानी कुछ छोटा मोटा हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि राजस्थान की कांग्रेस और यहाँ की सियासत के इस वक्त हाल कैसे हैं, इसी मुद्दे पर आज हमने बात की पूर्व विधायक और पायलट के करीबी माने जाने वाले राजेंद्र चौधरी से। सुनिए कि आखिर क्या कहते हैं पूर्व विधायक राजेंद्र चौधरी राजस्थान की सियासत पर। राजेंद्र साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बात करें अगर राजस्थान की सियासत की तो इस समय क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? राजस्थान की सियासत की तस्वीर बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस ने अभी विधानसभा के दो उपचुनाव में जीत दर्ज की है जी। पहले एक सीट कांग्रेस की थी, वो कांग्रेस को वापस मिली है। जो बीजेपी की सीट थी उससे कांग्रेस को जीत मिली है जी। तो आने वाले टाइम में क्या ऐसे माना जाए कि साल 2023 में जो विधानसभा इलेक्शन होने हैं तब की पूरी पूरी तैयारियां हैं कांग्रेस की? कांग्रेस बिल्कुल उसी तैयारी में चल रही है और उसी के अंतर्गत जो है अगले कदम कांग्रेस उठाएगी। सर, अक्सर राजस्थान में जैसे पिछले कुछ समय से यहाँ पर एक नेतृत्व वाली चीज भी चल रही है और आपसी कहा जा रहा है कि विवाद भी इसमें यहाँ पर पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, तो क्या किस नजरिए से आप इस चीज को देख रहे हैं? देखिए, पार्टी कांग्रेस का जहां तक सवाल है वो सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सब लोग पार्टी नेतृत्व में विश्वास करते हैं जी। तो जहां तक नेतृत्व का सवाल है उसमें कोई मतभेद नहीं है। और ये समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो मंत्रिमंडल में पुनर्गठन की बात हो, नए मंत्रियों को लेना हो, दूसरे मंत्रियों को उनकी उनका रिपोर्ट कार्ड जो है, जो काम कर रहे हैं उनका काम काज कैसा रहा है जी, उसको देख करके पार्टी फैसला करती है। कुछ समय पहले जैसे आपका एक बयान भी सामने आया था जिसमें आपने कहा था कि गहलोत साहब को मार्गदर्शन मंडल की भूमिका निभानी चाहिए या वहां पर नए लोगों को राय देनी चाहिए। मैंने ये बात इस संदर्भ में कही जी कि राजस्थान में जो चुनाव हुआ था जी 2018 में जी, तब राजस्थान की जनता के मानस पटल पर ये था कि राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व युवा चेहरा सचिन पायलट करेंगे। वो प्रदेश अध्यक्ष उस समय थे और उन्होंने पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस का 21 का आंकड़ा था, जो कांग्रेस बिल्कुल सिमट गई थी जी, या यूं कह दें कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था राजस्थान से जी, उसको वापस खड़ा किया। और उस समय मैं उनके साथ उपाध्यक्ष के रूप में उनके साथ मैंने काम किया पार्टी में, और राजस्थान में हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत मुद्दे जो हैं जनता से उठे, हित के मुद्दे हमने उठाए और उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी जी। लेकिन और, लेकिन लेकिन यहाँ पर जब ये सारी चीजें आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है और उसके बावजूद अब बाद में जाके इलेक्शन से कुछ वक्त पहले जब गहलोत और वर्सेज पायलट वाली बात जब की जाती है तो कैसा लगता है? नहीं, वर्सेज नहीं है, आप देखिए कि जनता क्या चाहती है जी। पायलट साहब क्या चाहते हैं या अशोक जी क्या चाहते हैं, इससे कोई इसका कोई अर्थ नहीं है जी। व्यापक अर्थ तो इस बात का है कि राजस्थान की जनमानस में क्या है, वो क्या चाहती है। तो निश्चित रूप से आप ये देखिए कि जब चुनाव हो गए और सरकार बन गई
कांग्रेस नेतृत्व ने निर्णय किया, अशोक जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी और पायलट साहब को डिप्टी सीएम बनाया गया और वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे जी। जब सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा था, 6 महीने में जो लोकसभा के चुनाव हुए, राजस्थान में 25 की 25 सीटें हम हार गए जी। और उसमें अशोक जी के पुत्र जोधपुर से जो है वो चुनाव हार गए और बहुत बुरी करारी हार हुई उनकी, 3.25 लाख वोटों से हारे जी। और अपने खुद के जो बूथ से जो है वो हार गए, अशोक जी का जो खुद का विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा, वहां से बहुत 40,000 के लगभग वोटों से हार गए जी। तो ये क्या हुआ, मतलब 6 महीने में सरकार ने ऐसा कौन से गलत काम कर दिए है जिससे जनता का मुंह मुड़ गया कांग्रेस से? तो इस पे विचार करने की जरूरत है, ये तो उस समय भी जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्या हो गया? सरकार ने तो ऐसे कोई गलत काम किए नहीं, यानी जो चीज क्यों अलग हुई, यानी जो चीज आप कह रहे हैं कि जनता क्या चाहती है वो महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन प्रजातंत्र में यही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो 6 महीने की आपने हनीमून काल की जो बात की है और वहां पर जो परिणाम जो नजर आए उनके मुताबिक फिर अगर हम देखें तो इसको फिर किस मायने में लें? नहीं नहीं, मायने में क्या, जनता ने फैसला कर दिया अपना जी, जनता ने मतलब अपना फैसला कर दिया, उन्होंने कांग्रेस की 25 सीटें माइनस कर दी। तो क्या ये माना जाए कि उपचुनाव में जो अभी दोनों सीटों पर जो कांग्रेस ने अपना परचम फहराया है तो वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है, गहलोत साहब की जीत हुई है, किसकी जीत है? ये देखिए, देश के अंदर कांग्रेस, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने झंडा उठा रखा है जी किसानों के मुद्दों को लेकर के और महंगाई के मुद्दों को लेकर के जी। आज जब आप ये देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ दो उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई, पर हिमाचल के अंदर बीजेपी का राज है, वहां कांग्रेस कैसे जीती, वहां लोकसभा की सीट भी कैसे कांग्रेस जीती जी। तो इस पे विचार करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ पब्लिक का मैंडेट है और ये सरकार ने जो है पब्लिक की, आम गरीब व्यक्ति की जेब को काटा है, यानी महंगाई का मुद्दा यहाँ पर हावी रहा। वेल 100% ना, ये एक पॉकेट मार सरकार है ये। ये इसको मतलब आम गरीब आदमी की जेब को काटा है इन्होंने। और अब एक मोटरसाइकिल लेकर के, स्कूटी लेकर के कोई बच्चा जाता है तो 110 रुपए तेल पेट्रोल का डाल रहा है उसमें जी। तो आप देखिए, दूसरी तरफ ये किसान जो है, एक साल हो गया लगभग वो बैठे हुए हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ उनकी हत्याएं हो रही है, उनके सिर फोड़े जा रहे हैं। और आप देखिए, केंद्र के गृह मंत्री का बेटा सरेआम किसानों को कुचल देता है जी। और प्रियंका गांधी जब वहां पे पहुंचती है सद्भावना के लिए, दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है उनके साथ में, तो उनको डिटेन कर दिया जाता है बिना किसी आरोप के, यानी 48 घंटे। और आप ये देखिए कि किसी किसान ने देश के अंदर ये नहीं कहा है कि ये हम इसके पक्ष में हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है। तो खाली मोदी जी अकेले बोल रहे हैं कि ये हमने किसानों के लिए किया है। अरे तो आप जिसके लिए किया है वो तो कोई कह ही नहीं रहा है ना, तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर जो मेरा सवाल था, मैंने आपसे बस ये छोटा सा एक सवाल किया था कि यहाँ गहलोत साहब की जीत हुई या कांग्रेस के जो मुद्दों की? देखिए, जनता देखो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे किसी और दल का कार्यकर्ता हो, वो अपने ढंग से अपनी अपनी बात करते हैं। बिल्कुल। पर ये परिप्रेक्ष्य देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस जीती, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती जहां बीजेपी की सरकार है, तो ये बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है जो कांग्रेस ने पूरे देश में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जो मूवमेंट चला रहे हैं महंगाई के खिलाफ और किसानों के समर्थन में। ये समझा जाए कि केंद्र का जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्र की जो लीडरशिप है, वहां से जो पूरा एक अभियान जो चलाया जा रहा है, यस 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 बिल्कुल, ये उसी का नतीजा है। बिल्कुल, जनता त्रस्त है इस सरकार से। और मैं तो किसानों को सैल्यूट करता हूँ उनके जज्बे को। जब कोरोना में लोग सब घरों के अंदर बैठे हुए थे बच करके, उस समय देश का किसान खेत में खड़ा था और फसल को पैदा कर रहा था, जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था बची, हमारी जीडीपी बची, वो सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर आपने अभी पेट्रोल पर वैट कम करने की भी बात मांग रखी है यहाँ पर राजस्थान में, लेकिन अभी नहीं किया जा रहा है।
नहीं ऐसा मैंने मेरे को पूछा गया जी, कोई चैनल वालों ने मुझे पूछा कि भाई भारत सरकार ने वेट कुछ कम किया है जी, तो क्या आप ये उन्होंने गजेंद्र सिंह जी के रेफरेंस में मुझे कहा जो यूनियन मिनिस्टर हैं जी, कि उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का वो अपने राज्य में कांग्रेस की जो सरकार है उनको वेट कम नहीं करने के लिए कह रहा है। मैं कहिए मैंने कैसी बात करते हो, हंसी की बात है ये, तो ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस का नेतृत्व जनता को त्रस्त करने का कोई काम करेगा। बिल्कुल, वो तो जनता को मदद कैसे मिल सकती है, राहत कैसे मिल सकती है, कांग्रेस नेतृत्व उस पर काम करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी अब कांग्रेस की जो लीडरशिप है उनको भी देखना चाहिए कि जनता का हित कैसे यहाँ पर बिल्कुल, हो, तो बिल्कुल, बिल्कुल, होना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक यहाँ पर आपने बात की अभी कि जनता क्या चाहती है, मेन प्रजातंत्र है हिंदुस्तान में, तो जब प्रजातंत्र की बात की जाती है अगर हम इसे राजस्थान के मायने में देखें तो राजस्थान में इस समय अगर भावी सीएम की भी बात की जाए तो गहलोत साहब या पायलट साहब, आपके शब्दों में? मेरे शब्दों में नहीं है ये, आप पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं जी। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। नहीं यहाँ आप, आपने कहा ना मेरे शब्दों में, मेरा मेरे कोई शब्द नहीं है ये, आप कैंप बना रहे हैं, आप ग्रुप बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ जी। हाँ तो अब यहाँ पर जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की भी बातें चल रही हैं अभी, बिल्कुल बिल्कुल होगा, तो क्या लगता है कब तक संभावनाएं हैं? ये इसके ऊपर काम चल रहा है और अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने ही कहा था कि 16 तारीख को दिल्ली में उन्होंने प्रियंका गांधी जी के साथ में, अजय माकन जी और वेणुगोपाल जी के साथ में विस्तार से चर्चा किए जी मुद्दों पर जी, जो मुद्दे वो कमेटी बनाई गई थी और जो सचिन पायलट जी ने जो मुद्दे कांग्रेस नेतृत्व को बताए थे उसके ऊपर काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है राजस्थान में सत्ता और संगठन में भागीदारी तो होनी ही चाहिए। नहीं नहीं वो तो सब होगा ना, वो आप देखिए कोई एक तरफ से किसी चीज को खींच करके कोई तंबू खड़ा नहीं होता है, चारों तरफ से रस्सियां खींची जाती है और बांस लगाए जाते हैं तब तंबू खड़ा होता है। तो बिल्कुल अब राजस्थान में कांग्रेस में एक बड़ा चाहते यही है, हिंदू राजस्थान की जनता भी यही चाहती है कि एक बड़ा अच्छा मजबूत तंबू खड़ा हो। हाँ, लेकिन बस ज्यादा ज्यादा खींचता ना हो ताकि खींचता, तो तंबू को खड़ा करने के लिए खींचना पड़ता है ना, रस्सी खींचनी पड़ती है तब तंबू खड़ा होता है। तो सवाल तो खींचनी पड़ेगी ना, चारों तरफ से रस्सियां खींचेंगे तभी तो तंबू खड़ा होगा। तो सवाल यही है कि बस राजस्थान में आने वाले जो चुनाव होंगे इनमें यहाँ की राजस्थान की जनता की जनता किसकी छत्र छाया में प्रजातंत्र को बेहतर तरीके से कायम रखती है? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के प्रति विश्वास है राजस्थान की जनता को और ये बात अभी साबित हो चुकी है उपचुनाव में देश में। बिल्कुल, चलिए राजन जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। सीधे सवाल लेकिन कई सवालों के घुमावदार जवाब, और इसे ही सियासत कहते हैं। दिल्ली बैठे कांग्रेस नेतृत्व पर पूरा भरोसा, गहलोत साहब का नाम नहीं लेकिन पायलट साहब को छोड़ा नहीं, और यादें तो यहां तक कि गहलोत साहब अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए थे। बहरहाल सियासत है, और अब बात यही कि राजस्थान ही नहीं दूसरी जगहों पर भी हुए उपचुनाव में भी भाजपा हारी है, तो केवल महंगाई के मुद्दे की वजह से, यानी तीर एक और निशाने ज्यादा। नमस्कार।